राम राम साहब, मैं हूँ गीता चौधरी। मारवाड़ी रसोई में आपरो बहुत बहुत स्वागत है। आज इन वीडियो में मैंने थोने राजस्थान री बहुत ही फेमस मसाला बाटी बनाने तरीको बताऊँ। यूँ तो अपन बाटियों कई तरीके री बनाया करो, बाफला बाटी बनाओ, दाल बाटी बनाओ, तो पर आज इन वीडियो मैं थोने मसाला बाटी बनाने तरीको बताऊँ। ए बाटियों बनावणियाँ हो रही है जिमने मना बढ़िया बढ़िया करे, तो थोई एक बार जरूर बनाई जाओ। तो हालां आप बाटियों बनावनी शुरू करो। तो मसाला बाटी बनाने वास्ते हेंगो पहला मैं आटे गवा रो आटो ले लियो। आटे ने मैं छोड़ लियो पहले ही, यानी एक परात में गाल दे। मैं मोटोड़ी कटोरी हूँ, दो एक कटोरी आटो लियो हूँ। थाने जीती बाटियों बनावनी है तो आटो ले लीजो। आटे मैंने अपन एक दे दो एक चमचे सूजी, थो जाओ तीन मैंने दो एक चमचे बेसन भी गाल सको। इन्हें मैंने अपन एक दे थोड़ा लूण, आधो चमचियो आधा चमची अपन मैंने हल्दी नेक दे। आधा चमची में इजू लियो, इन्हें थोड़ा आता हूँ मसाला नेक दे। चुटकी है कि इन मैंने आप मीठो सोडो गाल दे। अगली चीज़ों ने बढ़िया मिला ही ले। अगली चीज़ों बढ़िया मिल जाए जन इन मैंने आप तेल रो थोड़ा मून गाल दे। हलो मून नहीं गालनो, थोड़ा ही गालनो मोहनू कहीं है बाटियों हैं जिकी थोड़ी कौड़ी बढ़िया करे एन खाने में बढ़िया लाग गया करे। आटे ने बढ़िया मिला ले। बाटियों और आटो है जो को अपने हलो गीलो नहीं राखनो है, काटो राखनो है। इन वास्ते थोड़ा थोड़ा पानी गाले नहीं नो आटो ओसन ले। एक हाथ हलो पानी गाल दो जन आटो गीलो जावे। तो देखो थोड़ा थोड़ा पानी गाल पर मैं इनो एकदम बढ़िया काटो आटो ओसन तैयार कर लियो। ध्यान रखना कि आटो है जो को काटो जूनो चाहिए, गीलो नहीं रखना। तो आटो अपन ओसनी जिन तैयार हुआ है इन आप ढक पर हेड मेल दे जित अपन दूजोड़ी तैयारी कर लो। गैस मान में एक कढ़ाई लियो मेल दियो, इनमें मैं दो एक चमचे तेल गाल दूँ। तेल थोड़ा गर्म हो जाए जन आधा चमचे जीरो नाक दे। चुटकी है कि मैंने हींग नेक दे। आधो चमचे कूटियोड़ा धना है, आका धना बे नेक दे। अगली चीजों ने मिला पर इन मैंने दो मिर्च ली मैं बोटियोड़ की ए नेक दे। मिर्चो थोड़ी तली जा जन इन मैंने मैं दो कौंदा लिया हूँ थोड़ा मोटे साइज रही जाए एन मैं बोट लिया ए गाल दे इन मैंने। कौंदा ने अपन अटे हला नहीं हिंजो होना है, थोड़ा कौंदा हिंज जा जन इन मोइन अपन दूजोड़ मसालो गाल दे। हला कौंदा हिंजो ही दे जन कौंदा है जगह एकदम कौड़ा उजी है इन मोइने मसाले इन मोइने कौंदा दिखे ही को नहीं। आधा चमची हल्दी, एक चमची मैंने एक दूँ रात की पीसी उड़ की मिर्चों, आधा चमची लूण, आधा चमची ने एक दूँ पीसी उड़ का धना, आधा चमची इन मैंने एक दे गरम मसालो। अगली चीज़ों ने मिला ही ले। तो देखो तेल मैंने मसाला है जो बढ़िया बूंदीज का है, तो इन मैंने मैं आलू नेक दूँ। ए मैं तीन आलू लिया हूँ मोटे साइज का, एन मैं उबाल परान एन छिलका हटान एन मैया कर लिया। आलू ने मसाला मैंने बढ़िया मिला ही ले। मसालो एकदम अना बढ़ियो बनियो है, अना बढ़िया खुशबू आवे नी। मसालो बढ़िया हिंज गो है इन मोइन अपन मटर नेक दे। ए मार्केट हुकोड़िया मटर है एन में घंटो बीरो फैला पानी इन मोइन भिंजो लिया है तो कौड़ा उगा। थोड़कन मटर नहीं हुए तो कहीं को नहीं, तो बिना मटर ही बना सको एने मार्केट पड़िया जन मैंने एक दिया। अट मैं थोड़ा ले लियो हुकड़ो पुदीनो, इन मैं कर परो नेक दे। हमारे बरसात सीजन में पुदीनो है जो थोड़ा सिल्लू हो जाया करे, तो इन था थोड़ा तवे मा थे कन फच नेक दीजो एकदम मई मई हो जी। इन जगह था लीला धना हुए तो बही नेक सको। तो मसालो बनन तैयार हुआ है, थोड़ा मसालो ठंडो हुई
जो अम्मी अपन लोहिया बना तैयार कर ले जिन साइज री अपन बाटियों बनानी है बिना साबरी थो इन लोहिया बना तैयार कर लीजो। तो मैं इन्हें आप आटो और रोटी बनावा बिना साबरी लोहिया बना तैयार कर ली हूँ। तो ये देखो मैं हगली लोहिया बना तैयार कर ली एंड हेड मेल दो। वो देखो जिते अपन आटो ही एकदम व्यंजन तैयार हुआ है एकदम कौन उगो एंड वो देखो एकदम काटो है आटो है जो बिल्कुल गिल्लो नहीं है। एक फाचो मसाला लियो इन्हें हम आप एक एक लोही तोड़ने नी बाटी बनाई ले। रोटी बनावा भी नू थोड़ी मोटी बाटी नहीं लेनी है हली मोटी नहीं लेनी है हली जाडी हकरी कौन हुए हली पतली हकरी कौन हुए। लोहे ने अपन हाथ ही थोड़ो बदाई लो थो चाहो तो इन्हें बेलन बट भी सको। तो देखो अपन हाथ ही जिन मैं दिन बदा पर इन मैं मसाला आलो लोहे मेल दियो एन इन फाचो पैक कर दे जो आप कचोरी वगैरह बनाया करो बिना साबू जे बाटियो बनावनी है अपन ने। ये देखो इन्हीं तरीके में अगली बाटियो बना तैयार कर ले। ए बाटियों खाने में ना बढ़िया लग गया करे एकदम मैं मसालो एन बारे एकदम कुरकुरो आटो हो जाया करे इनो ए हिके जना ना बढ़िया लग गया करे थो चाहो तो इन्हें तेल मैं तली सको या कुकरे मैंने भीग सको जीव थोड़ी मर्जी। तो वो देखो अटे मैं बाटी बनाऊ ना आलू कुकर लियो हूँ बिन माते एक एक बाटियों मेल दूँ इन मैं थोड़ा पहला गर्म कर लियो ठंड माद नहीं मेल नहीं बाटियों है जो कि चिप जाया करे। हगली बाटिया में इन माते मेल दी यानी ने ढक दे गैस अपन ओड़ेज राखनो है। और देखो मारे अट बरसात हो रही है तो बरसात रे मौसम में मैं गर्मा गर्म बाटियों बनाई थोड़ी जरूर बनाई जो बरसात तो मार होती रहे है मौसम ना बढ़िया है एकदम ठंडो ठंडो मौसम है। तो एक दकी नु बाटियां थोड़ी हिग्गी है तो इन्हें थोड़ी पलट दो मैं ना हाथों ही पलटू हूँ हली गर्म हुए तो थो इन्हें ची पियो या कोई ठोऊ पलट जो या हाथ बल जाला दूजोड़ दकिन या पोने हकड़ी हेक लो। ये देखो बाटियों है जो थोड़ी फाटन रूगी है फाटने में बाटियों है मोई तक बढ़िया हिग जाया करे काची नहीं रहे। तो देखो हगली बाटियों हिकन तैयार रूगी है एकदम कितनी बढ़िया हिकी है थो चाहो तो इन्हें तेल रमोने तल भी सको या थोड़ा तेल गाल परो ने तेल रमोने हेक सको पर कोई लोग वे बे तेल री नहीं खावे इन वास्ते ये सब बढ़िया है अन आप उन्नी बड़े आराम निकाल लो इन्हें। तो देखो हगली बाटियाँ हिकन तैयार उगी है हमें एक कटोरी इन मैंने थोड़ा घी ले लियो एंड इन मैंने पकाई करो इन घी डुबोई देव थोड़ी घी चोपड़ देव जका घी नहीं खावे बिन वास्ते हजू भी खा सके जरूरी नहीं है कि थो घी लगान खाओ। तो मैं हगन घी रे मोइनी डुबोई लेऊं तो देखो मैं हगली बाटियों बने तैयार उगी है अना बढ़िया बनी है बाटियों देख सको एकदम हिग्गी है मोइन मसालो और बारू एकदम हिगुड़ी बाटियों खाने में ना टेस्टी लाग गया करे। एक थोने तोड़नी बताऊँ मैं कि मैं इन्हें कैडी बनी है बारू तो एकदम बढ़िया हिग्गी है कितनी बढ़िया दिखे थो चाहो तो इन यूं ही खा सको या पचे दाल हाथे भी जीम सको या सब्जी हाथे भी जीम सको पर मसाला बाटी तो यूं ही बढ़िया लाग गया करे। तो देखो बाटियाँ अपनी बनन तैयार है थोड़ी जरूर बनाई जो बड़ मिलो एक नयो वीडियो हाथे जड़ते ही राम राम सा।